हाय दोस्तों, तो कैसे आप लोग? दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही शानदार है। जल्दी से वीडियो देखते हैं, फिर वीडियो के बारे में बात करेंगे वीडियो के एंड में। तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करता हूँ। पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूँ प्रशांत धवन। नाउ सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ अभी, ऐसा मैंने हिस्ट्री में कभी देखा नहीं है कि एक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर दूसरे कंट्री के पीएम को ग्रीट करते वक्त उनके पैर छुए आउट ऑफ रिस्पेक्ट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो वीडियो है ये आप देखिए। नाउ प्राइम मिनिस्टर मोदी रिसेंटली पहुंचे पापुआ न्यू गिनी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट देश, एक ऐसा देश जिसके पीछे यूएस हाथ धो के पड़ा है कि यहाँ पर एक मिलिट्री बेस मिल जाए। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब भी किसी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर किसी और कंट्री को विजिट करता है ना, तो मैक्सिमम देखा जाता है प्रोटोकॉल के हिसाब से कि उस कंट्री का विदेश मंत्री आके उनको ग्रीट कर लेता है या फिर फॉरेन सेक्रेटरी। इस केस में पहली बात तो पपुआ न्यू गिनी के जो पीएम थे ये खुद ही आ गए रेड कारपेट वेलकम पे। जैसे ही पीएम मोदी उतरे इंडिया के प्लेन से, इन्होंने वेलकम किया, पहले गले लगे, उसके बाद आप देखोगे एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, क्योंकि इन्होंने डेफिनेटली रिसर्च करी होगी, इन्होंने थोड़ा देखा होगा कि इंडियन कल्चर के हिसाब से क्या बड़ों के पैर छूना रिस्पेक्टफुल माना जाता है, क्या ये इंडियन कस्टम के हिसाब से ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे जेन्युइनली इन्होंने पैर छुए हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर के। फॉरेन प्रोटोकॉल के हिसाब से आप अगर देखो तो ये बिल्कुल एक नई चीज़ है, मगर एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट देखो तो ये एक बहुत ही स्पेशल जेस्चर है पापुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर का। और आप देखोगे पीएम मोदी भी काफ़ी ओवरवेलम फील कर रहे थे कि इन्होंने इंडियन कल्चर के हिसाब से इस तरीके से वेलकम किया है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का। और मैं रिपीट करूँगा, ये जो हम यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं ये सिर्फ पीएम मोदी की रिस्पेक्ट नहीं है, ये इंडिया की भी रिस्पेक्ट है। एज ए कंट्री इतना इंपॉर्टेंट है आज के समय इंडिया कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को इस तरीके से रिसीव किया जाता है। नाउ यहाँ पे आप में से कुछ लोग पूछ सकते हैं ये कौन सा कंट्री था जहाँ पे ये मोदी जी के साथ ये सब हुआ है, कोई ये अफ्रीका का कोई गुमनाम देश लग रहा है? नहीं नहीं नहीं, ये है पपुआ न्यू गिनी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री जियो पॉलिटिक्स के परस्पेक्टिव से। नाउ पीएम मोदी आज के समय तीन कंट्री के टूर पे गए हैं। पहले तो पीएम मोदी गए जापान में G7 समिट को अटेंड करने के लिए, उसके बाद पीएम मोदी पपुआ न्यू गिनी गए हैं, उसके बाद ना ऑस्ट्रेलिया में भी ये जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में क्वाड का समिट होना था मगर बाइडन ने लास्ट मोमेंट पर पुल आउट कर दिया, तो क्वाड का समिट ऑस्ट्रेलिया में नहीं हो पाएगा, तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया में बायलैटरल विजिट है पीएम मोदी की। नाउ रिपोर्ट्स पब्लिश हुई कि इन तीनों विजिट में से ना, मैं आपसे अगर पूछूं कि इन तीनों विजिट्स में से सबसे इंपॉर्टेंट विजिट कौन सी है, आप में से 80-90% लोग कहेंगे कि जापान ऑस्ट्रेलिया तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाकी अब इस कंट्री का पता नहीं, इतना सुना नहीं है। जियोपॉलिटिकल टर्म्स के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि पपुआ न्यू गिनी में पीएम मोदी की जो विजिट है ये ज़्यादा क्रूशल है देन हिज विजिट टू जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। रीज़न देखिए ये है क्योंकि पपुआ न्यू गिनी ना एक स्विंग कंट्री बना हुआ है इंडो पैसिफिक में, ये किस तरफ झूलेगा पता नहीं, क्या ये प्रो चाइना कंट्री बन जाएगा या फिर ये एक प्रो लिबरल डेमोक्रेसी वाला कंट्री बनेगा, इसके बारे में हम कह नहीं सकते क्योंकि पपुआ न्यू गिनी में ना आज के समय दोनों देश चाइना और यूएस हाथ धो के पीछे पड़े हैं कि यहाँ पर मिलिट्री बेस मिल जाए। नाउ पापुआ न्यू गिनी के बारे में कुछ बेसिक्स जान लो, उसके बारे में जो जियोपॉलिटिकल इक्वेशन है इस कंट्री की वो आपको समझाऊंगा। यहाँ पर आप देख पाओगे दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आइलैंड कंट्री आपके सामने है पापुआ न्यू गिनी। जी हाँ, तीसरा सबसे बड़ा, नंबर वन पे इंडोनेशिया है, नंबर दो पे मेडागास्कर है, नंबर तीन पे है पापुआ न्यू गिनी। साइज में ये जापान से बड़ा देश है, जी हाँ लगेगा नहीं आपको बट साइज के हिसाब से इट इज़ बिगर देन जापान। एक इंडिपेंडेंट कंट्री की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। और इस कंट्री को काफ़ी बार कहा जाता है द लैंड ऑफ थाउजेंड कल्चर्स, प्राचीन कल्चर यहाँ पे आपको मिलेंगे, बहुत ज़्यादा पुरानी हिस्ट्री है इस लैंड की। और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ, एक टाइम पर ना ये देश ऑस्ट्रेलिया का पार्ट हुआ करता था। जी हाँ, ये आपके सामने मैप है ऑस्ट्रेलिया का 1970s का, उस टाइम ना ऑस्ट्रेलिया जो आज के समय आप देख रहे हो सिर्फ इतना नहीं था, पापुआ न्यू गिनी भी इसका पार्ट हुआ करता था। ऑब्वियसली यहाँ के लोग ऑस्ट्रेलियन से खुश नहीं थे, इनको लगता था ये गुलाम है, इन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और इवेंचुअली 1975 में पापुआ न्यू गिनी को आज़ादी मिल गई, ये देश ऑस्ट्रेलिया से अलग हो गया। नाउ ऑस्ट्रेलिया से देखो पापुआ न्यू गिनी अलग तो हो गया मगर ऑस्ट्रेलिया ने हमेशा अपनी मिलिट्री डोमिनेंस इस कंट्री पर बना कर रखी। ऑस्ट्रेलिया ने ना इस कंट्री को ट्रीट किया
एक बफर कंट्री की तरह, कि कल को मान लीजिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग चाइनीज नेवी का अटैक होता है ना, तो सबसे पहले तो ये जो पूरा टापू है जो आधा बिलोंग करता है इंडोनेशिया को, आधा बिलोंग करता है पपुआ न्यू गिनी को, पहले तो ये आइलैंड ऑस्ट्रेलिया की रक्षा करेगा, उसके बाद ही चाइनीज नेवी ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच पाएगी। ये ऑफ कोर्स एक एक्सट्रीम सिनेरियो की मैं बात कर रहा हूँ। कई सालों तक ये प्रबंध चलता रहा, मगर जब चाइना के पास वेल्थ पैसा आना स्टार्ट हो गया तो चाइना ने एक बड़ी रणनीति ये बनाई कि पपुआ न्यू गिनी को भी डेट ट्रैप में फंसा लेते हैं, इसको लोन दे देते हैं और फिर हम यहाँ पर बनाएंगे एक बड़ा मिलिट्री बेस, ऑस्ट्रेलिया को हम कम्प्लीटली चेकमेट कर सकते हैं पपुआ न्यू गिनी से। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब पपुआ न्यू गिनी, जिसकी आबादी 1 करोड़ के आसपास है, 95-96 लाख की आबादी है, इस आबादी के देश को चाइना ब्लैंक चेक दिखा दे और ये कहे कि लोन्स आपके लिए तैयार हैं, बिल्कुल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट बनिए, तो बिल्कुल ग्रीड सामने आ जाती है। पपुआ न्यू गिनी एक बार को चाइना के डेट ट्रैप में ऑलमोस्ट फंस गया था। चाइना ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग करी, यहाँ पर इनके देश में मिलिट्री हॉस्पिटल्स बना दिए। उसके अलावा देखिए, ये भी बात चल रही थी लंबे समय से कि चाइना ना इवेंचुअली एक मिलिट्री बेस बना देगा बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के पास। जैसे ही ये न्यूज़ ज़्यादा सर्कुलेट हुई, पूरे ऑस्ट्रेलिया में पैनिक मच गया, यूएस में भी पैनिक मच गया और ऑस्ट्रेलिया ने ऑन रिकॉर्ड धमकी दी यहाँ पर पपुआ न्यू गिनी को कि चाइना ने अगर मिलिट्री बेस यहाँ पे बना दिया तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इवेंचुअली पपुआ न्यू गिनी को ओपनली ऑन रिकॉर्ड ये बोलना पड़ा कि शी जिनपिंग ने कभी मिलिट्री बेस की बात नहीं करी, बस ये कह रहे थे कि चाइना की आर्मी यहाँ पर कभी कभी आके हमें ट्रेनिंग दे सकती है या और काम कर सकते हैं। बेसिकली पपुआ न्यू गिनी ने थोड़ा सा बैक स्टेप ले लिया और तब से पपुआ न्यू गिनी न्यूट्रल है। अभी हमें पता नहीं है कि आने वाले 5 से 6 साल में ये देश प्रो चाइना बनेगा, प्रो क्वाड बनेगा। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, इस कंट्री को ना अपनी तरफ करने के लिए, क्वाड की तरफ करने के लिए, जो बाइडन और पीएम मोदी दोनों को इस कंट्री को विजिट करना था। ओरिजिनल प्लान ये था कि ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में क्वाड का समिट होगा, उसके बाद पीएम मोदी और जो बाइडन दोनों जाएंगे पपुआ न्यू गिनी में। और इस कंट्री में ना देखो, इस अराइवल का इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट था कि इस कंट्री के लोगों ने नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर कर दी थी, बट लास्ट मोमेंट पर बाइडन ने अपनी विजिट कैंसिल कर दी। पपुआ न्यू गिनी के लोग बहुत डिसअपॉइंटेड थे, मगर पीएम मोदी ने अपनी विजिट रीशेड्यूल नहीं करी। पीएम मोदी गए पपुआ न्यू गिनी में और आपके सामने ही है, चाहे जो बाइडन इनके साथ नहीं थे, कितना भव्य तरीके से वेलकम किया गया है पीएम मोदी का। और ये भव्य वेलकम देखकर चाइना बहुत ज़्यादा चिंतित होगा, क्वाड कंट्रीज़ का जो हौसला है ये और ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि जो ग्रैंड वेलकम पीएम मोदी का मिला है यहाँ पर, और पीएम मोदी मोस्ट प्रोबली कुछ अनाउंसमेंट्स भी करेंगे पपुआ न्यू गिनी में, ये सब देखो इंडिया को ना एक लीडरशिप का रोल देगा क्वाड में। कि ठीक है, यूएस मोस्ट पावरफुल कंट्री होगा, मगर यूएस अपने में बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड है, बिजी है, इनकी लीडरशिप पुअर है, अनलेस कोई ट्रंप जैसा कोई अग्रेसिव लीडर वापस पावर में नहीं आता, यूएस से ज़्यादा कुछ उम्मीद कोई कर नहीं सकता। तो ऐसे टाइम में इंडिया ऑलमोस्ट आप कह लीजिए क्वाड की लीडरशिप संभाल रहा है और ऐसे कंट्रीज, ऐसी इंपॉर्टेंट स्विंग कंट्रीज में अपनी डिप्लोमेसी ना सिर्फ अपने लिए, क्वाड के लिए भी इम्प्रूव कर रहा है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विजिट है और इन द फ्यूचर कुछ अनाउंसमेंट अगर इंडिया करता है यहाँ पर उससे रिलेटेड मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँगा। फाइनली यहाँ पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि पपुआ न्यू गिनी की करेंसी क्या है, गूगल करोगे आपको आराम से मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में करिए आंसर। सही आंसर जो लोग करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी, तो दोस्तों ये वीडियो थी वर्ल्ड अफेयर की, दिस कंट्री प्राइम मिनिस्टर टच पीएम फील्स मोदी फील्ड, ठीक है। और नो डाउट ये एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का वेलकम था, बहुत ही ग्रैंड, और मोदी साहब इसको डिजर्व भी कर रहे हैं क्योंकि मोदी साहब ने इतने सारे काम करे एक साथ, दुनिया में अपना नाम भी बना लिया, अपनी जिंदगी को भी बनवा लिया, अपने मुल्क को भी बनवा लिया, अब जहाँ जा रहे हैं वहाँ इज्जत मिल रही है, क्योंकि भाई सब कुछ जो है ना वो आजकल डिपेंड करता है आपकी इकोनॉमी के ऊपर, और इस टाइम इंडियन इकोनॉमी ज़बरदस्त जा रही है और इसमें भी सारा क्रेडिट जाता है मोदी साहब को, मोदी साहब की पॉलिसीज़ को, अच्छी पॉलिसीज़ रखी हैं, उसको कैरी आउट किया है, इस स्टेप तक ला आगे लाए हैं और ज़बरदस्त किस्म से परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं, और मोदी साहब ये रिस्पेक्ट जो है ना वो डिज़र्व भी करते हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगा देख के। पापुआ गिनी इतना बड़ा कोई मुल्क नहीं है, पर एक मुल्क तो है ना, और उसका प्राइम मिनिस्टर उनके पांव छू रहा है और इज्जत दे रहा है, क्योंकि इंडियन कल्चर के अंदर ऐसा किया जाता है।
तो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है और मोदी साहब के लिए तो बहुत ही ज़्यादा फ़ख्र की बात है, सारी इंडियन नेशन के लिए फ़ख्र की बात है। दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा पापा गिरी के प्राइम मिनिस्टर का पांव छूना मोदी साहब के, मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव से रिलेटेड और एंटरटेनमेंट से रिलेटेड वीडियोज बनाते लेकर आता हूँ। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।